डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन एसएमएस मैथ्स क्लास। हम लोग क्लास 12th का इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 19.14 एडिशन ऑफ पार्ट वन को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्चुअली एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, और अगर पूछा जाए तो एग्ज़ाम में इसमें मोस्टली 1 मार्क्स से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले की लिस्ट याद कर लेनी है, क्योंकि ये जो पूरी एक्सरसाइज है, हम लोग चेक करके देखेंगे कि जो पूरी एक्सरसाइज है वो सिंपलेस्ट फॉर्मूले पे बेस है। आइए एक्सरसाइज पे आते हैं। यानी अगर सिर्फ हम कंपैरिजन मेथड यूज़ करें कि सी द एक्सरसाइज एक्सरसाइज 19.14, ये लेवल वन, देर आर 9 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 10 है जो लेवल 2 पे दिया हुआ है। सो हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3 है, इन तीनों क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि इन ऑल दीज 3 क्वेश्चन समथिंग इज देयर विद एक्स स्क्वायर। ना एक्स स्क्वायर के साथ एक टर्म है। लेट मी स्टार्ट विद वन ऑफ द क्वेश्चन। जैसे मैं एक क्वेश्चन से लिख ही लेता हूँ। सी, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, यानी इंटीग्रेट करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या करना है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, आप फॉर्मूले की लिस्ट देखिए। सो ये फॉर्मूले है जिसमें 3 फॉर्मूले जिसमें स्क्वायर रूट नहीं है, और इन सभी फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ का कॉफिशियंट 1 है। तो हम भी क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट को 1 बनाएंगे। यानी क्या करना है, बी स्क्वायर को कॉमन कर लेना है। तो जैसे आप बी स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये सिंपली फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला है, सी हियर अगेन, मैंने साथ में रख दिया है ताकि कंपैरिजन इजी हो जाएगा। सो इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड इसका सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना है, नथिंग एल्स। 1/2a, 2 a की जगह पर a बाई बी है। सो ये रहा 1/2a, ओके। एक b कैंसिल करेंगे, यहाँ लिखेंगे लॉग, वी स्टार्ट विद दिस a, सो दैट इज ए बाई एक्स, ए बाई बी प्लस एक्स, एंड सिमिलरली ए माइनस, एंड अगेन एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। अब सिर्फ आंसर लिख दीजिए। ये आंसर हो गया 1/2ab। ये हम b का एलसीएम लेंगे तो जगह ए प्लस बी एक्स डिवाइड बाय ए माइनस बी एक्स। सो सी हाउ सिंपल द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों क्वेश्चन में आपको बस यही सॉल्व ही करना है ना। सिर्फ यही नहीं, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें सपोज कीजिए हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। सो अगेन क्या कर रहे हैं, बी स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, अंडर रूट के बाहर आएगा तो बी बन जाएगा। बाहर बी को हम कॉमन बी स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन अंडर रूट के बाहर आने पे ये क्या हो जाएगा, बी का बी स्क्वायर का अंडर स्क्वायर रूट बी हो जाएगा, और यह हो जाएगा ए बाई बी होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो सी अगेन द फॉर्मूला इज आपके सामने है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। सो ये रहा 1/b, द फॉर्मूला इज लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो सी हाउ सिंपल द क्वेश्चन इज, है ना। क्वेश्चन कितने सिंपल है, जैसे एज्यूम कीजिए कि मुझे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है, ओके। सो दैट क्वेश्चन इज 1/√। सी व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कि जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनमें से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, अब आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर पाएंगे, राइट। हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 को आप सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 आप एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सी हियर 2 - x है ना, तो हम क्या करते हैं कि 2 - x को t पुट कर लेते हैं। एक चीज है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कि वाई नॉट यही माइनस को कॉमन करें, तो हम क्वेश्चन के में बेसिकली कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। हम 2 - x को t पुट करेंगे
तो माइनस का डीएक्स डीटी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन हो जाएगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन डी टी। ओके माइनस, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो टी स्क्वायर माइनस वन, ये टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं ये फॉर्मूला अप्लाई होना है। सो माइनस का फॉर्मूला हो जाएगा लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अब क्या करना है, जो टी की वैल्यू है विच इज टू माइनस एक्स, बस उसको क्वेश्चन में उसकी जगह पर पुट कर देना है फाइनल आंसर के लिए। सो डियर फ्रेंड्स, आइए जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनमें से एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर फोर, जब हमने इन क्वेश्चनों को लिखा है सो थ्री थ्री सिक्स टू एट क्वेश्चन हो गए हैं। सो टू मोर क्वेश्चन आर देयर, जैसे क्वेश्चन नंबर फोर विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर। एक चीज ध्यान रखिए डियर फ्रेंड्स कि जब कभी भी ना न्यूमरेटर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पावर सेम है, तो आप जैसे जूनियर क्लासेस में डिवाइड करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे वन टाइम सो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस, सो इट इज माइनस फाइव, नहीं हम जब डिवीजन कंप्लीट करेंगे तो ये जाएगा वन माइनस फाइव बाई एक्स स्क्वायर, और फोर को लिख सकते हैं टू स्क्वायर। सो नाउ सिंपल, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। सो वन का इंटीग्रेशन एक्स, फाइव कॉन्स्टेंट है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर टेन भी हमारा ऐसे ही है। अगेन इन क्वेश्चन नंबर टेन वी हैव एक्स टू पावर फोर प्लस वन द होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। सो अगेन व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे कि हम एक्स पावर फोर प्लस वन को बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन, जैसे सिंपल इंटीग्रेशन होता है, सॉरी सिंपल डिवीजन होता है, वैसे डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर टाइम। सो इट इज एक्स स्क्वायर एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, सो वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर, सो ओके माइनस वन माइनस स्क्वायर माइनस वन, सो वी हैव प्लस वन ना, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी डिवीजन के बाद ये क्या बन जाएगा, इट विल बी रिड्यूस इनटू, ये क्या लिखने का तरीका होता है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ओके हमने रफ में डिवाइड कर लिया, उसके बाद यहां लिखने आ गए क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब ये शायद सिंपल इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, वन का इंटीग्रेशन एक्स, और वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो इंटीग्रेशन है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। सो डियर फ्रेंड, एक सिंपल सी एक्सरसाइज 19.14 आर डी शर्मा पार्ट वन के सभी क्वेश्चनों को हमने टच करने की कोशिश की है। देर आर टेन क्वेश्चन, सो उन टेन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन एक जैसे थे उनमें से एक क्वेश्चन को पिक किया है। बट बिफोर यू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज इट इज बेटर टू बाय हार्ट द फॉर्मूला, उसके पहले आप इन फॉर्मूलों को याद कर लें, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।